हेलो स्टूडेंट, अध्ययन वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो सेशन है वो कंडक्टिविटी के फैक्टर्स पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए सभी बच्चे। और ये कंडक्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, खास करके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, ताकि इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जो नीट में या एसएससी रीजन या स्टेटमेंट टाइप कैटेगरी का जो आईआईटी में होता है एडवांस में, उसमें भी इससे बहुत बार जो है स्टेटमेंट लगा के पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में आप अंत तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इसमें। ये बड़ा ही लॉजिकल टॉपिक है, इसीलिए इसको आपको सुनना है, समझना है और बड़ा ढंग से इसको अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसमें जब हम करेंट को पास करते हैं तो उससे करेंट को कैरी करने की जो क्षमता है, सामर्थ है, कंडक्टिविटी है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वैसे आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में जो है करंट को जो कैरी करने वाला कैरियर है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो मीडियम होगा जैसे आप वाटर लिए हैं और इसमें आप जो इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, तो एक क्या होता है वाटर, जिसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं, और इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसका आयन होता है, ओके। तो ये सारा फैक्टर जो होगा आपको कि सॉल्यूशन में ये जो आयन है, आयन जो मूवमेंट करेगा, फ्री मूवमेंट जो आयन का होगा, ये जो आयन है यही क्या करेगा, करंट को कैरी करेगा पूरे सॉल्यूशन में। तो इस पे जो है, इस पे हम लोग कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करेगा, करंट जब इसमें पास होगा तो कौन कौन से फैक्टर सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो देखिए हेडिंग बना लीजिए आप सभी बच्चे, फैक्टर्स ऑन व्हिच कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स। इसके टोटल पांच फैक्टर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उस पानी में आपने या सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट डाला है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आयन देता है, राइट। तो आयन के साइज और इस पे चार्ज होता है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, हर इलेक्ट्रोलाइट्स का अपना अपना कंडक्टिविटी होता है। दूसरा फैक्टर होगा इसमें जो आपने सॉल्वेंट है, मीडियम है, उसके नेचर पे, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा फैक्टर है उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। और चौथा फैक्टर है डाइल्यूशन। पांचवा फैक्टर है टेम्परेचर। तो टोटली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के पांच फैक्टर है जो उसके कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। कितने फैक्टर है, पांच फैक्टर विच अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। नंबर वन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर टू नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर थ्री कंसंट्रेशन, नंबर फोर डाइल्यूशन, नंबर फाइव टेम्परेचर। ये पांच फैक्टर पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा किसका, सॉल्यूशन। चलिए फर्स्ट फैक्टर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब हर इलेक्ट्रोलाइट से सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, HCl है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर है, बहुत सारे कंपाउंड है जो कि पानी में आयंस देता है। तो सबके आयंस के इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की क्षमता बराबर सेम नहीं होता है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। तो ये बात किस पर डिपेंड करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पे। जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में टूटकर जितना ज्यादा आयन देगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी अधिक होगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट अगर बहुत ज्यादा टूट रहा है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी में कम टूटता है, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो आप कह सकते हैं सेम टेम्परेचर पे जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो पहला फैक्टर हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ दी इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा। इसमें क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। सो स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट, क्या दिमाग में लगाएंगे, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट, मोर द डिसोसिएशन, मोर द डिसोसिएशन। सो मोर दी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सो मोर दी कंडक्टिविटी, मोर दी कंडक्टिविटी, तो उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पढ़े होंगे आप 11th क्लास में, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज्यादा टूटता है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, उसमें आयंस का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो उसका कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें कापा भी क्या हो जाएगा, आपको कापा जानते ही है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये ज्यादा हो जाएगा। तो इस बेसिस पे जैसे हम लोग देखें आपको कि KCl है आपके पास और NaCl है, जाहिर सी बात पोटेशियम क्लोराइड जो है पानी में ज्यादा टूटेगा तो इसका कंडक्टिविटी सेम कंसंट्रेशन पे ज्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखें आपके पास में HCl है, ये देखिए एसिड है, और यहीं पे आप देखिए एसिटिक एसिड है, तो क्या देख रहे हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ज्यादा डिसोसिएट करेगा, और एसिटिक एसिड वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम टूटेगा, तो ये सॉल्यूशन में कम आयन देगा, ये ज्यादा आयन देगा, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो बस एक लाइन का, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी, यानी उसका आयन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा सोल्यूशन में, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे आप काम खत्म। ओके, फैक्टर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट को हम आयन में टूटने के लिए जो सॉल्वेंट में डालते हैं, तो सॉल्वेंट के नेचर पर भी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। जैसे NaCl को आप पानी में डाल दिए, उसी NaCl को अल्कोहल में डाल दिए, तो जैसे सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। क्यों भाई? क्योंकि सॉल्वेंट का विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब होता है सॉल्वेंट का गाढ़ापन, यानी आयन को फ्लो करने के लिए विरोध करने वाला फोर्स, तो विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा आयन उतना कम फ्लो करेगा, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो सेकंड फैक्टर बड़ा सिंपल फैक्टर है आपको, दैट इज कंडक्टिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे दो फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे। एक फैक्टर्स जो हो जाएगा यहां पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट में विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगा, विस्कोसिटी फैक्टर आ जाएगा, तो यहां पे आप कह सकते हैं मोर द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, मोर द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, पढ़े होंगे कोएफिशिएंट है ना, मोर द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, लोअर द कंडक्टिविटी, उसमें कंडक्टिविटी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि आयन के फ्लो को, आयन के फ्लो करने की स्पीड को कम कर देगा, बिकॉज विस्कोसिटी जो होता है वो आयन के फ्लो करने की स्पीड को कम कर देता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी बात करता है। ओके, तो दो फैक्टर हो गया। ओके, तीसरा फैक्टर जो होता है वो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर पे बहुत सारे ग्राफ जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये फैक्टर जो तीसरा फैक्टर है दैट इज कंसंट्रेशन, कौन सा फैक्टर है बच्चों, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को आप जानते हैं मोलैरिटी भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी भी बोलते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन भी कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है एज अकॉर्डिंग टू, देखिए इसके लिए बड़ा फेमस इक्वेशन दिया गया था, एज अकॉर्डिंग टू डीवाई हकल ओनसेगर इक्वेशन, ये तीन साइंटिस्ट था, डीवाई हकल एक बड़ा फेमस इक्वेशन दिया था, और ये इक्वेशन कंडक्टेंस पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे या मोलर कंडक्टेंस पे कंसंट्रेशन के इफेक्ट को, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे एक्सप्लेन किया था। कौन सा इक्वेशन है, डीवाई हकल और सेंगर इक्वेशन, देखिए ये बड़ा फेमस इक्वेशन है, ये कंडक्टेंस है, कौन सा भाई, मोलर कंडक्टेंस, कहां पे, एक सर्टेन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू उसका एक लिमिटिंग कंसंट्रेशन था, कहां पे, जीरो कंसंट्रेशन पे, लगभग टेंस टू जीरो कंसंट्रेशन, माइनस बी अंडर रूट सी, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हकल, डीवाई हकल ऑन सेंगर इक्वेशन। ओके, इसमें देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो आप जानते हैं कंडक्टेंस का साइन है, यहाँ पे जो एम लिखते हैं ये मोलर कंडक्टेंस है, और यहाँ पे सी लिख दिया तो क्या कहेंगे, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन, एट सर्टेन कंसंट्रेशन,
एक सही कंसंट्रेशन पे ये कंडक्टेंस है, ओके। और देखिए ये जो आप सिंबल दिए हैं, ये हो गया मोलर कंडक्टेंस, जीरो मतलब ऑलमोस्ट एट जीरो कंसंट्रेशन, सो दिस इज द मोलर कंडक्टेंस। ये क्या बच्चों, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो, यानी ये कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो पे इसका कंडक्टेंस है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मैक्सिमम कंडक्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, लिमिट, इसको लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोलते हैं। कहां पे? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो गया जहां पे कंसंट्रेशन क्या हो, टेंस टू जीरो, जीरो तो नहीं होगा, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल हो, ये वैल्यू होगा। ये दोनों सिंबल को आप समझ गए, ओके। अब देखिए यहां पे एक सिंबल है, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर हम आपको यहां देखिए, यहां बी जो है, बी बी ऑब्वियसली यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट है। बी क्या है? दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बी। बी का वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इसका वैल्यू जो है तीन बात पे डिपेंड करेगा, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन किसका भाई, ये जो बी है इसको ऑसेंगर एंड ऑसेंगर कांस्टेंट भी बोलते हैं। बी इसका वैल्यू तीन बात पे डिपेंड करेगा, नंबर वन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस सॉल्वेंट में है, यानी विस्कोसिटी। नंबर टू नेचर ऑफ द आयंस इन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में जो आयन है यानी इलेक्ट्रोलाइट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। और तीसरा जो इसका वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, किस पे, तीन फैक्टर पे। मतलब ये जो बी है इसका वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस सॉल्वेंट में है, उसके विस्कोसिटी और उसके डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन पे चार्ज कितना है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम पे प्लस वन चार्ज और क्लोरीन पे माइनस वन चार्ज, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम पे प्लस टू चार्ज और क्लोरीन पे माइनस वन चार्ज, तो इस पर भी बी का वैल्यू डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द आयंस इन सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे, तीन फैक्टर पे ये बी डिपेंड करता है, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑसेंगर हकल डीवाई कॉन्स्टेंट, ऑसेंगर हकल डीवाई कॉन्स्टेंट, या आप इसको ऑसेंगर कॉन्स्टेंट भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, ऑसेंगर कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, ओके। तो बी पे ध्यान रखिए। अब देखिए बी का वैल्यू हम सॉल्वेंट के नेचर से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, सॉल्वेंट और इसके नेचर से। तो बी का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बी में दो कॉन्स्टेंट जुड़ा हुआ है, ओके, इसको लिख लीजिए हम मिटा। ऑल्सो मॉडिफाइड, इसको हम लोग फिर मॉडिफाइड कर सकते हैं, दिस इज द लिमिटिंग कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। देखिए नाउ इसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी, सॉरी प्लस बी नाउ दिस इज। अब देखिए यहां पे दो कांस्टेंट आ गया इसमें से ए और बी, तो देखिए ये दोनों को पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट दिस इंटायर इज कॉल्ड बी। तो बी आपको क्या क्या हो गया, देखिए ए प्लस बी ये हो गया। अब देखिए ए एक कांस्टेंट है और बी भी एक कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट मिलकर के ये कांस्टेंट बना हुआ है। अब देखिए ए का वैल्यू जो होता है, हम लोग अगर देखें ए का वैल्यू, तो देखिए इसका वैल्यू, ए का जो वैल्यू होता है यहां पे ये याद रखिए, ये होता है 82.4 बाय डीटी पावर 1/2 इनटू नीटा, ये ए हो गया। ए को देख लीजिए क्या होता है, 82.4 डीटी होल पावर 1/2 और नीटा, नीटा जानते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट होता है, ओके। और यहां जो बी है, बी ये देखिए बी इसका वैल्यू होता है 8.2 बाय डीटी पे पावर 3/2, तो दोनों कांस्टेंट का वैल्यू आप देख लीजिए। तो सर इस कांस्टेंट को निकालने में डी क्या है, ध्यान रखिए हियर डी का वैल्यू होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, पढ़े होंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जिस सॉल्वेंट में दे रहे, ओके। टी क्या है, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी क्या है बच्चों,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर पे आप ए का वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ जो बी है और सेंगर हैकल डिवाई कॉन्स्टेंट, ये ए बी दोनों मिल गया, हो गया। और टेम्परेचर क्या हो गया, एब्सोल्यूट 25 डिग्री पे 298 केल्विन ले लेंगे आप। ओके, तो डी समझ गए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, टी समझ गए टेम्परेचर। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हम लोग नीटा सिंबॉल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो नीटा का एक दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, तो अगर आपको ओसेंगर डिवाय हकल कांस्टेंट निकालना हो तो ये कांस्टेंट आपको उस सॉल्वेंट का चाहिए। तो इस सॉल्वेंट का क्या क्या चाहिए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए, टी उसका टेम्परेचर चाहिए, और उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट चाहिए। तो ये ओसेंगर हकल डिवाय इक्वेशंस है, जिसमें बी जो कांस्टेंट है यहां पे, इसका वैल्यू ये है। ओके, फॉर वाटर, किसके लिए ले रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट, क्योंकि अक्सर जो भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, वो वाटर में बनाते हैं। तो वाटर सॉल्वेंट में जो ए का वैल्यू है, यानी ए, ये 82.4 बाय डी, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का लेंगे, टी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, पावर 1/2 और इनटू नीटा, यानी विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ वाटर, ठीक है, सेंटीपॉज में लेंगे। तो ये सारे वैल्यू अगर आप रखेंगे तो इसका वैल्यू आपको वाटर का कितना आता है, ये वाटर का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू 60.20, ये वैल्यू आ जाएगा कहां पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो अगर आपसे पूछे वाटर का ए का वैल्यू क्या होगा, अगर वाटर सॉल्वेंट है, तो ये जो वैल्यू है वह ए, सारा वैल्यू जैसे वाटर का कॉफिशियंट रखेंगे, कॉफिशियंट विस्कोसिटी कॉफिशियंट रखेंगे, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रखेंगे, कितना टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे रखेंगे, ये 60.2 आ जाता है। और यही जो बी है, बी क्या था, बी देखिए 8.2 बाय डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे पावर 3/2 रूट क्यूब, सॉरी 3/2 हो गया, 3/2 पावर में रूट क्यूब में 3/2 है। ये वैल्यू जब आप रखेंगे तो वाटर के लिए इसका वैल्यू 25 डिग्री पे आएगा 0.229। तो ए बी का वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन आपको पूछता नहीं, लेकिन आपको ये कमांड होना चाहिए कि ओसेंगर हकल डिवाई इक्वेशन में बी जो होता है, बी ये है क्या, तो बी क्या है, दो कॉन्स्टेंट से बना है, ए प्लस बी, और ये है बी, इसको ध्यान रखिए। ए क्या है, ए के लिए ये वैल्यू देखिए, बी क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू देखिए, ठीक है। अगर वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि आपने देखा कि बी का वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, तो ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंसंट्रेशन को चेंज करने पर कंडक्टेंस पे, मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, इसके लिए एक ग्राफ दिया गया, क्या दिया गया, ग्राफ दिया गया, इसको हम लोग कहते हैं ओसेंगर ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये, ओसेंगर ग्राफ, किसके बीच, ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इसके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो देखिए क्या लिया गया, वाई एक्सिस पे आपको ये लिया गया मोलर कंडक्टेंस, क्या लिया गया बच्चों, मोलर कंडक्टेंस, कितना, सर्टेन कंसंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट लिया गया एक सर्टेन टेंपरेचर पे। और ये इक्वेशन में अगर ग्राफ देखें तो आपको ओसेंगर इक्वेशन देखिए यही था, माइनस यही आपको सी, तो देखिए ये एक स्लोप है ग्राफ का, नेगेटिव है स्लोप, और ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा ये यहां से स्टार्ट होगा इंटरसेप्ट मैक्सिमम से। तो जितना वीक ग्राफ, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका ग्राफ उतना, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए स्लोप एकदम ऐसे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, ग्राफ लाइक दिस आएगा इस तरह से। तो क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये ग्राफ किसके लिए है, फॉर KCl, और ये ग्राफ किसके लिए, देखिए ये ग्राफ किसके लिए है, फॉर एसिटिक एसिड। What did you observe from this graph? By increasing concentration, molar conductance decreases more effectively in case of weak electrolyte. Weak में slope ज़्यादा है। इसका मतलब weak का भी ज़्यादा होगा, है ना? तो क्या कहेंगे? Weaker the electrolyte, क्या कहेंगे बच्चों? Weaker the electrolyte, electrolyte जितना weaker होगा, electrolyte more the slope, slope उतना ही ज़्यादा होगा. That is higher the
वैल्यू ऑफ बी। तो ये जो ओसेंगर हैकल डिवाई कांस्टेंट है बी, इसका वैल्यू किस इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखिए वीक के लिए आपको ज्यादा स्लोप आ रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा घटता है, और स्ट्रॉन्ग का भी घटता है लेकिन कम घटता है। तो नट सेल में अगर आपसे कोई पूछे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा, तो एक लाइन में आप बोलेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो कंडक्टेंस जो होता है ये आपको घटता है, वीक में ज्यादा घटता है लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में घटेगा तो लेकिन कम घटेगा मोलर कंडक्टेंस। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सो बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस। इन केस ऑफ वीक इट इज डिक्रीजेस मोर इफेक्टिवली, बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिक्रीजेस। तो नट सेल में एक ही बात क्या है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस घटता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस घटता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस घटता है, वीक में ज्यादा घटेगा और स्ट्रॉन्ग में कम घटेगा, वीक में ज्यादा घटेगा स्ट्रॉन्ग में कम घटेगा। क्यों? क्योंकि वीक में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ओसेंगर हैकल डिवाई कांस्टेंट है बी, ये ज्यादा होता है, ये ज्यादा स्लोप आता है। ओके, तो ये ग्राफ आपको पूछता है। तो ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, इसमें वीक में ज्यादा घटेगा स्ट्रॉन्ग में कम घटेगा, लेकिन डाइल्यूशन का जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है। डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना, तो डाइल्यूशन का इफेक्ट, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर बढ़ा देते हैं तो इसको डाइल्यूट करना बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में ही कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम वाटर सॉल्वेंट मिला देते हैं तो बोलते हैं डाइल्यूट कर दिए, और अगर सॉल्यूट मिलाते हैं तो बोलते हैं कंसंट्रेट कर दिए। सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाना कंसंट्रेशन बढ़ाना हो गया, और सॉल्वेंट के अमाउंट को ऐड करना, सॉल्वेंट का अमाउंट को बढ़ाना डाइल्यूशन प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ा देना। कैसे? बाय एडिंग सॉल्वेंट। जैसे सॉल्वेंट ऐड करेंगे जानते हैं क्या होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे लिख दिया बड़ा सिंपल, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाने पर कंडक्टेंस जो होता है ये आपको बढ़ता है बहुत ज्यादा। वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है थोड़ा कम, और एक चीज ध्यान रखिए, वॉल्यूम बढ़ाने पर कापा जो होता है, कापा आपने पढ़ा होगा, ये घटता है। तो कंडक्टेंस तो बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम जैसे बढ़ाएंगे, देखिए एक एरो दिए यहां पे, डबल एरो दिए, तो ये होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम हो जाता है। और ये किस पे होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, और स्ट्रॉन्ग में, और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। तो आप निष्कर्ष पे क्या पहुंचे, कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं सॉल्यूशन का, वॉल्यूम उसमें हम सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, जो मोलर कंडक्टेंस है वीक में बढ़ जाता है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाते 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 बहुत इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, तो वहां पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। तो पूछेगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम हाईएस्ट कंडक्टेंस कहां पे होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टेंस। उसको कह सकते हैं है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या जो भी कहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो आपसे पूछेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कहोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कहां पे कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसी को डिनोट करते हैं, ये देखिए ऐसे लिख दिया और यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया, या हम लोग इसी को कैसे लिखते हैं, यहां लिख दिया और हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे तो कितने फैक्टर हो गए आपको, चार फैक्टर। ओके, तो चार फैक्टर, पहला फैक्टर कौन था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग का ज्यादा वीक का कम। दूसरा फैक्टर क्या था आपको,
नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तीसरा फैक्टर क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे ऑसेंजर हकल डिवाई इक्वेशन ग्राफ है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घटेगा, किसका, मोलर कंडक्टेंस घटेगा, वीक का ज्यादा घटेगा स्ट्रॉन्ग का कम घटेगा। डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, वीक में ज्यादा बढ़ेगा स्ट्रॉन्ग में कम बढ़ेगा। ओके अब देखिए पांचवा फैक्टर है, दैट इज टेम्परेचर। इज टेम्परेचर फिफ्थ फैक्टर क्या है आपको कंडक्टिविटी को चेंज करने के लिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। ये शुरू में ही पढ़े थे, दो तरह के कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण से करंट कैरी होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक में सॉल्यूशन कारण से। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको पता है विस्कोसिटी घटने लगता है, टेम्परेचर बढ़ाने में विस्कोसिटी कोएफिशिएंट घटता है तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ड्यू टू डिक्रीज इन विस्कोसिटी कोफिशियंट, क्योंकि विस्कोसिटी कोफिशियंट ऑफ द मीडियम, मीडियम का विस्कोसिटी कोफिशियंट घटने लगता है इसीलिए। तो सिंपल कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक, मेटलिक का नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक का, रेजिस्टेंस के कारण से नहीं, इसका कारण है विस्कोसिटी के कारण से। तो फाइनली वी हैव डिस्कस ऑल द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देयर आर फाइव फैक्टर्स। तो इसको बड़ा दिमाग से रखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और इसी सारे फैक्टर्स का एक कंक्लूजन है कॉलराउस लॉ। तो हम लोग फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कॉलराउस लॉ पे एक बढ़िया वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछते हैं। चलिए थैंक यू फॉर दिस सेशन।